सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अगर गूगल की वेब स्टोरी बनाते हो तो इसके जो है कीवर्ड रिसर्च किस तरह से कर सकते हो और उसको जो है किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि किस में जो है निश तो कौन से टॉपिक पे आपने जो है वेब स्टोरी बनाना है। ओके, लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप वेब स्टोरी बना रहे हो उसमें कितना कॉम्पिटिशन है, कितने लोगों ने उस पर जो है ऑलरेडी वेब स्टोरी बना रखी है, ये आपको पता चलेगा एक ट्रिक के थ्रू। ओके, तो वो ट्रिक जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना चाहिए, मैं लास्ट वो ट्रिक जरूर बताऊंगा। ओके, तो उसके पहले आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा कि किस तरह से आप टॉपिक जो है सर्च कर सकते हो, किस तरह से टॉपिक पर और या फिर कौन से टॉपिक पे आपने जो है वेब स्टोरी बनाना चाहिए जिससे आपको जो है आसानी से रैंक हो पाए या आपको जो है यूएस की ट्रैफिक आपके वेबसाइट में आ पाए। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह फिर से एक बार बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है वेब स्टोरी का टॉपिक सर्च करने के लिए, सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल ट्रेंड के ऊपर। ओके, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी निश होगी आपने यहाँ से डाल लेना है। ओके, तो चेक कर लेना है आपकी क्या जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल हिंदी शायरी। ओके, ये मेरा टॉपिक है मेरे वेबसाइट का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिंदी शायरी। ओके, उसके बाद सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इंडिया रख देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पास डे की जगह यहाँ पर आपको पास डे कर देना है, यहाँ पर ऑल कैटेगरी रख देना है या फिर वेब सर्च रखना है, हमें जो है वेब सर्च के लिए चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक रिलेटेड टॉपिक मिल गया और रिलेटेड टॉपिक या रिलेटेड क्वेरीज मिल गया, तो इसके अंदर से आपने जो है शायरी चूज़ करना है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो सबसे ज़्यादा 400 इसको मिले, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, मेरा एक टूल है जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया है पिछली वीडियो में, ये जो कीवर्ड रिसर्च का टूल है इस पर आपको आ जाना है। ओके, तो हिंदी शायरी। ओके, ओके, तो यहाँ से आपने डाले हिंदी शायरी, यहाँ से कर लिया, यहाँ से आपको कर लेना है हिंदी आपकी लैंग्वेज और यहाँ से आपके जो कंट्री है इंडिया सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सर्च कर देना है। ओके, जैसे आप सर्च करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे सर्चेस आ चुके हैं। ओके, तो हिंदी शायरी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्चेस है, आप देख सकते हो 12,20,000 यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके सर्चेस है मंथली। ओके, और उसका CPC आप देख सकते हो यहाँ पर 2.94 है। ओके, मैक्सिमम। ओके, तो आपको क्या करना है फिर इसके बाद आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको ये शायरी, ये जो टॉपिक है यहाँ से हिंदी शायरी का टॉपिक लेना है। ओके, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका जो है कॉम्पिटिशन कितना कम है या ज़्यादा या फिर इस पर कितने वेब स्टोरीज बनी है नहीं। ओके, इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में बताऊँगा आपको क्या करना है। एक कोड है, ओके, ये कोड है आप देख सकते हो, ये कोड में क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है इन URL, उसके बाद कोलन, उसके बाद वेब स्टोरी / उसके बाद जो है डबल कोड में आपको लिख देना है जो भी आपका टॉपिक का जो नेम होगा वो, या फिर आपका जो कीवर्ड होगा। ओके, जो मेरा कीवर्ड हिंदी शायरी। ओके, इसमें कॉपी करता हूँ। ओके, और इस कोड के अंदर यहाँ पर इसे डाल देता हूँ, आप देख सकते हो जो लास्ट वाला कोनल है उसके अंदर आपको डालना है। ओके, इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल लिया, उसके बाद इसे कॉपी करता हूँ। ओके, और सिंपल सा आपको जो है गूगल के अंदर जाकर इसे पेस्ट कर देना है। ओके, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसमें कंपटीशन कितना, कितने बनी है वेब स्टोरी या नहीं। तो आप देख सकते हो हिंदी शायरी, आप देख सकते हो हिंदी शायरी को स्पेलिंग अलग है, अगर यहाँ पर मैं अगर आप देख सकते हो इस शायरी का स्पेलिंग आप देख सकते हो कुछ अलग सा है। ओके, अगर आप रियलिटी देखो तो शायरी के बाद ए भी आता है यहाँ पर। ओके, आप जैसा लिखोगे वैसा आप देख सकते हो शायरी। ओके, इस पर कंपटीशन लो है, अगर थोड़ा सा भी आप चेंज करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 0 रिजल्ट है। ओके, अगर यहाँ पर आप ए बढ़ा देते हो, ओके, तो आप सर्च कर देखते हैं इस पर कितने, तो आप देख सकते हो 27 रिजल्ट है, तो 27 यहाँ पर वेब स्टोरीज बनी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप कुछ आप ओपन करके देखते हैं सच में वेब स्टोरी है या कुछ अलग है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेब स्टोरी है, जितने मिनट सर्च कर सब वेब स्टोरी आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी वेब स्टोरीज हिंदी शायरी पर बनी है, आप देख सकते हो। ओके, तो आपको समझ रहा होगा कि इस कोड के बदौलत हम देख सकते हैं कि जो भी हम कीवर्ड पे बना रहे हैं उसमें कंपटीशन कितना है। ओके, तो आप देख सकते हो जो हमने बनाया है उसमें से ए निकाल दिया है हमने। ओके, तो जैसे कि हमने कीवर्ड रिसर्च में देखा था यहाँ पर।
ओके कीवर्ड रिसर्च जो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर भी आप देखो ए निकाला, इसलिए इसके सर्च आप देख सकते हो 12,20,000 है। ओके तो इसी के रिलेटेड में जैसे कि आपको पता है आपको एक कोड लेना है, और जो भी आप नीश है, जो भी आपका नीश है यहाँ पर इसके अंदर इतना कोड डाल देना है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको वहाँ से जाकर भी आपको आसानी हो जाएगी। अब वहाँ से आपके जो है जो भी कीवर्ड होगा उसके अंदर डालकर आप चेक कर सकते हो उसका कॉम्पिटिशन कितना है, फिर उस पर कितने ऑलरेडी जो है वेब स्टोरीज बनी है या फिर नहीं बनी है, फिर आपको उससे पता चल जाएंगे कि इस वेबसाइट इस नीच पे या फिर इस टॉपिक पे आपने जो है वेब स्टोरीज बनाना है या नहीं बनाना है। ओके तो बहुत ही यूजफुल कोड है, आपको सिंपल सा आपका जो है कीवर्ड यहाँ पर डाल देना है, अभी जो भी आपका टॉपिक होगा वो इसके अंदर, और आपको जो है ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देना है गूगल के अंदर, तो यहाँ पर उसका रिजल्ट शो करेगा। ओके जैसे कि मैं फिर से इसका ए निकाल देता हूँ और फिर से एंटर दबा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 रिजल्ट आ रहा है, मतलब 0 वेब स्टोरीज इस टॉपिक पे बनी है। हिंदी शायरी पे तो बनी है, लेकिन वाई एक लेटर निकाल देने से आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कुछ कुछ लोग स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं, कुछ शायरी इस तरह से भी लिखते हैं, तो इसके अंदर आपको कॉम्पिटिशन 0 मिलेगा, जिससे आपके जो है गूगल आपकी वेब स्टोरी को ज़्यादा प्रमोट करेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ओके तो इस तरह से आप जो है आसानी से जो है टाइटल या फिर आपका जो नीच का जो टॉपिक है सर्च कर सकते हो और उससे जो है चेक भी कर सकते हो उस पर कितना रिजल्ट है या क्या है। ओके तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।